यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। आगे बढ़ेंगे। देश ने एक बार फिर से अपने 3 वीर जवानों को खो दिया है। इन 3 वीर जवानों में से एक जवान हरियाणा का भी था, जिन्होंने अभी कुछ समय पहले ही सेना को ज्वाइन किया था। 21 साल का कमल 2015 में ही सेना में भर्ती हुआ था और वे नेशनल स्तर का कबड्डी खिलाड़ी भी था। कमल के जैसे ही शहीद होने की खबर गांव में पहुंची, पूरे गांव में मातम का माहौल बन गया। असम में आसमानी बिजली गिरने से सेना के 3 जवान शहीद हो गए। शहीद जवानों में बहादुरगढ़ जसोर खेड़ी का कमल भी शामिल है। आसमानी बिजली गिरने से कमल की पोस्ट पे ब्लास्ट हो गया, जिससे कमल के साथ 2 अन्य जवान भी शहीद हो गए। 21 साल के कमल 2015 में सेना में भर्ती हुए थे। 3 भाई बहनों में कमल सबसे छोटे हैं। कमल के बड़े भाई भी भारतीय सेना में हैं। बड़े भाई के नक्शे कदम पे चलते हुए देश सेवा के जज्बे से कमल भारतीय सेना में भर्ती हुए थे। कबड्डी के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी रह चुके हैं। कमल के शहीद होने की खबर से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। वही आज जैसे ही शहीद जवान का पार्थिव शरीर दिल्ली से बहादुरगढ़ पहुंचा, तो पूरे इलाके में मातम छा गए। लोगों ने गलियों में गुजरते हुए कमल देशवाल अमर रहे और वंदे मातरम जैसे नारे लगाए। इस मौके पर पूरे इलाके में दुख पसरा रहा और लोगों ने शहीद को श्रद्धांजलि दी। आज शहीद का अंतिम संस्कार किया जाएगा। बहादुरगढ़ से प्रदीप धनकड़ की रिपोर्ट।